प्रभु के दास एक महान लेखक जो चाइनीज थे, उन्होंने इफिसु की पत्री पर लिखा, सिट वॉक स्टैंड। तीन हिस्सों में उन्होंने इस पत्री के बारे में लिखा है, सिट वॉक एंड स्टैंड, कि हमें परमेश्वर ने मसीह में स्वर्गीय स्थानों की आस दी। आप इस पहले चैप्टर में आएंगे तो पहले दो आयतों को देखेंगे, तो पहले तो पौलुस परमेश्वर के उस बड़े अनुग्रह की बात करता है और अपनी बुलाहट को बुलाता, पहला वचन देखिए, पहला वचन, और उसमें जो है पौलुस अपनी इंट्रोडक्शन देता है। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा थी, प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित और उन पवित्र मसीह में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसस में है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यहां आप एक एक चीज के बारे में देखेंगे, तो पहली चीज जो है यहां पौलुस कहता है कि तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पहली बात वो कहता है तुम्हें अनुग्रह मिले, और अभी अनुग्रह क्या है, हम बहुत सारे इस बारे की चीज को जानते हैं। अनुग्रह क्या है? वो चीज जिसके हम हकदार नहीं है फिर भी हमें मिल जाती है। मैं अक्सर उदाहरण देता हूं, हमारे बीच में बहुत सारे टीचर्स हैं, बादी साहब जो प्रिंसिपल रहे, मैनेजर रहे स्कूल्स में, हम अपने बच्चों के बारे में एक बात कहते हैं, खास करके हमारे जमाने में हुआ करता था, बच्चा अपनी पूरी साल की मेहनत के बाद जो कुछ भी है, जितनी भी वो मेहनत करता है, जो उसको पासिंग मार्क्स चाहिए उससे थोड़े से कम रह जाते हैं, एक चतुर नंबर कम रह जाते हैं, तो टीचर इस चीज के ऊपर सोचता है कि बच्चा पास होते होते रह रहा है, तो अपनी ओर से उसे दो नंबर दे देता है। मान लीजिए उसे 35 नंबर चाहिए और उसने स्कोर की है 33, तो टीचर जब काउंट करता है, कैलकुलेट करता है और देखता है कि उसके दो नंबर अपनी तरफ से दे दिए, तो टोटल उनके 35 हो गए ताकि वो पास हो गए। तो इसे क्या कहते हैं? ग्रेस मार्क्स, और हिंदी में क्या कहते हैं? अनुग्रह। उर्दू में बोलते हैं फसल, फसल अनुग्रह ग्रेस, अर्थात जिसके योग नहीं थे हम फिर भी हमें मिल गया। और पौलुस इफिसियों की पत्री को क्या कहता है कि हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह मिले और दूसरा तुम्हें शांति। मेरे भाई अनुग्रह तक शांति हम कब महसूस करेंगे? जब तक हम पर अनुग्रह नहीं होता। अनुग्रह बहुत जरूरी है। आगे जैसे आप पढ़ेंगे, पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में आपको ये वोकैबुलरी मिलती जाएगी। दूसरे अध्याय में कहता अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार, तुम जो पहले मुर्दे थे अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने तुम पर दया की और तुम्हें जीवित किया। आइए आइए यहां पर दूसरे वचन में कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा हम पर अनुग्रह किया, और पौलुस जो है इसी चीज की आगे बात करता है कि तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती है। तीसरा वचन देखिए, तीसरा वचन पढ़िए जल्दी जल्दी, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें स्वर्गीय स्थानों की सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। मुख्य वचन क्या है कि परमेश्वर ने हमें आशीष दी है,
और वो कौन सी है? स्वर्गीय स्थानों की आत्मिक आशा। अब चार बातें याद है, हमारे पिता परमेश्वर का, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें स्वर्गीय स्थानों की सब प्रकार की आत्मिक आशा दी है। हमें आशा दी है, लेकिन कौन सी? दुनिया की नहीं। एक अनफॉर्चुनेटली बहुत एक जो है हमारे गलत शिक्षा चल रही है आज चर्च के बीच में। हम पासवान लोग उस शिक्षा को हम देते हैं, हमारे बीच में हमारे बहुत सारे साथी लोग देते हैं, जिसको हम बोलते हैं थियोलॉजी ऑफ प्रॉस्पेरिटी के। प्रभु यीशु मसीह को आपने ग्रहण कर लिया तो सब ठीक ही होगा, तरक्की होगी, उन्नति होगी, तुम्हारे तमाम शारीरिक रीति से और संसारिक तौर पर धन दौलत गाय हर चीज तुम्हारे पास होगी। और ये कलीसिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि प्रभु हमें तमाम चीजें देता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या है कि कष्ट भी है, दुख भी है, ये तमाम चीजों को भी हमने सहना। कह सकते आप मत्ती की इंजील उसके चैप्टर 6 वर्स 33 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है पहले उसके राज और उसकी धार्मिकता की, फिर कहता है आगे आश्चर्य। तो पहले क्या है? उसके राज को और उसकी धार्मिकता की खोज करना। तो उसके बाद प्रभु का वचन कहता है तमाम चीजें, दुनिया की तमाम चीजें तुम्हें फ्री में मिल जाएंगी। तो बहुत बार क्या होता है कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, तौबा कर लो, पश्चाताप कर के तुम बपतिस्मा ले लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, चर्च में आ जाओ सब कुछ सही हो जाएगा। जब के चर्च में, चर्च के लोग, चर्च के लीडर वो खुद भी इन तमाम चीजों से सफर करते हैं, तमाम चीजों में वो भी इनका असर उनके ऊपर भी होता है। तो मसीह में आना दुख उठाना, मसीह में आना दुखों के द्वारा जो है हमें उन स्वर्गीय स्थानों की आशा को प्राप्त करना। प्रभु का वचन भी कहता है दुनिया में धनमत इकट्ठा करो, दुनिया में धनमत इकट्ठा करो, क्योंकि यहाँ चोर भी लगेगा, यहाँ काई भी लगेगी, यहाँ कोई हिस्सेदार भी आएगा। अपना धन कहाँ इकट्ठा करना है? स्वर्ग में, या कोई भी हमसे उसका हिस्सा बांटने वाला वह किसी प्रकार का खतरा नहीं है। और पौलुस कहता है कि हमारे पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें स्वर्गीय स्थानों की सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, दुनियावी नहीं, संसारिक नहीं, आत्मिक स्वर्गीय स्थानों की आशीषों से उसने हमें परिपूर्ण किया। और जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो एक एक आशीष का नाम लेंगे जो पौलुस परमेश्वर का धन्यवाद देता है। तीसरा वचन हमने पढ़ा है, क्या कहता है? दोबारा पढ़ेंगे, क्या कह रहे हैं जल्दी से? हमारे पिता परमेश्वर स्वर्गीय स्थानों की सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण कर दे, सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। अगला वचन पढ़ेंगे, जैसे उसने हमें, उसने क्या किया है? चुन लिया। जैसे उसने क्या किया? हमें चुन लिया। पतरस कहता है हम चुना हुआ वंश, याजकों का समाज, याजकों का पदधारी समाज, परमेश्वर की प्रजा, उसके अपने लोग हैं। तो हम कौन है? चुने हुए लोग हैं। और ये चुनाव परमेश्वर की ओर से, ये तब से है जब सृष्टि का आरंभ होता है, अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ चुना हुआ वंश, उसके वंश के हम लोग हो गए। और प्रभु का वचन कहता उसने क्या किया? चौथा वचन क्या कह रहा? चौथा वचन पढ़िए सत्यवचन, परमेश्वर ने हमें चुन लिया।
परमेश्वर ने हमें चुन लिया किसमें, उसमें, है परमेश्वर ने उसमें हमें चुन लिया, और उसमें कौन है, यीशु मसीह वाली में कौन है उसमें, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। अभी जगत की उत्पत्ति नहीं हुई थी, मैं और आप भी यहां नहीं आए थे, परमेश्वर ने मुझे और आपको पहले से चुन लिया कि हम उसके स्वर्गीय स्थानों की सब प्रकार की आत्मिक आशाओं में सहभागी हो सके, उसको जो है हम पाने वाले बन सके। तो पौलुस ने कहा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, और ये जो तो चुना जाना है इसका उद्देश्य, इसका एक पर्पज है, ऐसे नहीं चुन लिया। बहुत बार हमारा चुनाव होता है ना, सिलेक्शन होती है, तो उस सिलेक्शन का कोई मकसद होता है। स्पोर्ट्स फील्ड में किसी का चुनाव होता है, वो एथलेटिक्स में जब वो किसी गेम में खेलने के लिए उसमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए उनका सिलेक्शन होता है, उनका आपस में कंपटीशन होता है ना। तो प्रभु ने मुझे और आपको जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह यीशु मसीह में चुन लिया है। चार वचन दोबारा पढ़ेंगे, उसने हमें उसमें चुन लिया है ताकि हम उसके निकट पवित्र और निर्दोष बने। प्रभु ने मुझे और आपको क्यों चुना, ताकि हम पहली चीज पवित्र बने और निर्दोष बने, हर प्रकार के दोष से रहित और पवित्र जीवन। पवित्र जो शब्द है इसको कई तरीके से व्यक्त किया जाता है, लेकिन एक एक इसका ये भी मतलब होता है कि पवित्र मतलब अलग किया, दुनिया से, दुनिया के फैशन से, दुनिया के ट्रेडिशन से, दुनिया के चाल चलन से, दुनिया के तमाम प्रबंध से अलग किया हुआ, प्रभु के लिए अलग किया गया है। लेकिन किसके लिए, प्रभु के लिए नहीं अलग करेंगे ताकि वो एक ही साइड रह ले, वो प्रभु के लिए है, प्रभु के लिए उसको अलग किया गया। और किसने किया है, परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया ताकि हम उस प्रिय के निकट जो है हम क्या बने, पवित्र बने, हम निर्दोष बने। अभी देखिए दोष लगते हैं, दोष लगते हैं, दोष लगाए जाते हैं, लेकिन आपका अंतरात्मा और परमेश्वर आपको दोषी ना करें। जब प्रेरितों के काम में कलीसिया बढ़ रही थी और बीच में यूनानी और इब्रानी और विधवा और उनके देखभाल के सारे प्रबंध के ऊपर विचार विमर्श हो रहा था, जब कमियां निकाली जा रही थी, तो पतरस ने कहा तुम अपने बीच में से 7 लोगों को चुन लो और चुनाव एक पास्टर कमेटी, एक मैनेजमेंट कमेटी को आप चुन लो, और जो चुने जाने वाले थे उनका सबसे पहला जो उनके गुणों में से था जो निर्दोष, कैसे निर्दोष, जिनमें दोष ना हो, जो निर्दोष हो, जो पवित्र आत्मा से भरे, है ना, जो 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 इन तमाम चीजों में जो है प्रभु की मर्जी के अनुसार चुने गए। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, पहली बात उसने हमें स्वर्गीय स्थानों की सब प्रकार की आत्मिक आशा से परिपूर्ण किया, या आत्मिक आशा में मेरे और आपके लिए की है, और दूसरा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। आगे पढ़ते जाएंगे तो हमें एक एक प्रभु की उस आत्मिक आशीष के बारे में पता चलेगा, हमें चुन लिया कि हम उसके लिए प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने में पहले से ठहराया कि मसीह के द्वारा हम उसके देखपालक पुत्र पुत्र के वंश हैं। हमें ठहराया है, हमें ठहराया मतलब हमें इसमें करना, में नियुक्त किया कि हम मसीह में परमेश्वर के लेखपालक पुत्र और पुत्रिया बन।
अभी ये पालकपन क्या है, ये बहुत 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 ही एक जो है एक क्या बोलते हैं कानूनी कार्रवाई की तरह में बोलता है अडॉप्शन, ले पालकपन में किसको लेकर पालना। हम स्वभाव से परमेश्वर की संतान नहीं है। आदम और हवा के समय से पाप आया और पाप के द्वारा के साथ जो है हमारी संति आदम हवा की मेरी आपकी हम सब की संति टूट गई। हम उससे अलग हो गए, हम उसकी संतान की बजाय हम जो है दुनिया में आ गए। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अपनी लेपाल संतान बनाया। यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय 12वां वचन बहुत ही बहुत ही बहुत ही कॉमन है, बहुत ही मशहूर है और बहुत सारे लोगों को ये याद है। हमें से किस किस को याद है? हम सब मिलकर बोलेंगे जितनों ने उसे उनको उसने परमेश्वर की। तो ये परमेश्वर की संतान होने का एक प्रोसेस है। कैसे? हमें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना, कैसे अपना मुक्तिदाता और अपना प्रभु और मुक्तिदाता है ना, लॉर्ड एंड सेवियर। हमें उसके उसको अपनी जिंदगी का प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार करना। उसने जगत की उत्पत्ति से हमें चुन लिया ताकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक संतान बन सके। अभी जो लेपालक संतान है लेकर पाले हुए गोद लिए हुए उनके लिए एक लीगल प्रोसेस होता है और वो एक एक विल तैयार करनी पड़ती है, कास्ट तैयार करने पड़ते हैं। और उससे क्या होता है कि हमारा जो फॉर्मल बैकग्राउंड है वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। पिछले परिवार के साथ पिछले बैकग्राउंड के साथ हमारा नाता बिल्कुल खत्म हो जाता है और नए परिवार में जिसमें हम जाते हैं उसका नाम हमें मिलता है, उसका तमाम जो सुख सुविधाएं या उसके लाभ और जो भी कमी है वो हमारे लिख में आ जाती है। तो हम सारे के सारे परमेश्वर की संतान नहीं है। शास्त्री फरीसियों से बात करते हुए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय और उसके 44वें वचन में शास्त्री फरीसी प्रभु यीशु मसीह के साथ अक्सर बात में बात करते रहते हैं। और यूहन्ना 3रे अध्याय में भी यूहन्ना बपतिस्मा मत्ती 3रे अध्याय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि हे सांप के बच्चों किसने तुम्हें जता दिया है कि तुम जो है तौबा के बावजूद फलो और आने वाले प्राकोप से। और आगे कहता अपने अपने मन में ये मत सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम के लिए पत्थरों से भी संतान उत्पन्न कर सकता है। अपने अपने मन में ये मत सोचो। और उससे पहले उन्होंने कहा हे सांप के बच्चों परमेश्वर से कहते हैं तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम अपने पिता शैतान से हो जो आरंभ से झूठ बोलने वाला और झूठ बोलने वाले का पिता है। तुम किसी शैतान हो? शैतान से अपने पिता शैतान से हो जो कैसा है? आरंभ से झूठ बोलता है और झूठ बोलने वाला का बाप है। तो सब परमेश्वर की संतान होने का अधिकार खुद देखो कहीं ना कहीं हमें भी ये कमजोरी आ जाती है। झूठ बोलना, परमेश्वर के कामों का विरोध करना, डबल चार करना। अभी सांप के बच्चों का मतलब क्या होता है? सांप के बारे में किसको पता होता उसकी है ना दो जुबानी बनती है, उसकी दो जुबानी बनते दो भाषा दो ग्राम है ना, जितर भी है जो भी है हर दो दो डबल भाषा। और इसको परमेश्वर को सब नहीं करना प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के दूत को कहता है तू ना तो गर्म है और ना है ना तो गर्म है ना सर्द है।
हो जाता या गर्म होता या ठंडा होता, तू क्या है? बीज का है ना, गुण का, तू बीज का है। और ये जो डोगली भाषा बोलने वाले वो बीच के भी है, इधर को भी कुछ करेंगे उधर को भी कुछ करेंगे, हर किसी के साथ को मिले रहने की प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं तो वो गलत बोलते होंगे, कहीं ना कहीं तो वो झूठ बोलते होंगे। ये तो है नहीं कि दोनों के साथ मिले हुए और दोनों के साथ सच बोलते होंगे। तो क्या है, तुम अपने बाप शैतान से जो आराम से झूठ बोलने वाला और झूठ बोलने वाला कबाब है। सांप के बच्चों में दोगली भाषा वाले झूठ बोलने वाले प्रेतों के काम में हम देखते हैं, समान टोना परमेश्वर के दासों का विरोध करता है, अपवित्र आत्मा के काम में भी गार्ड करता है। वचन में लिखा पौलुस ने टिप्पणी के लगाकर उसे कहे, शकल धर्म के नामदारी शैतान की सरकार, तू कब तक परमेश्वर के कामों का विरोध करता है? बहुत बार हमारी कलीसियाओं में खास करके ये होता है, हमारी कम्युनिटीज में ये होता है कि हम परमेश्वर के काम में हम खुद रुकावट डालते हैं, हम एक लॉबी बना लेते हैं और लॉबी में पहले से लोगों को बता देते हैं कि ये फैसला करना है, वो भले चर्च के फेवर में हो चर्च के खिलाफ हो, हम एक लॉबी बना देते हैं। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम परमेश्वर के कामों का विरोध करने वाले बन जाते हैं। और ये प्रेरितों के काम में एक बहुत बड़ी बहुत ही अच्छी उदाहरण है, उनका नाम है गमलियेल, अपने समय में सबसे बड़े स्कॉलर, जो पौलुस के भी टीचर थे। जब कलीसिया बढ़ने लगी, चेला को हयात हो गया, उस समय के धार्मिक लोगों ने देखा, उन्होंने देखा और इनके ऊपर बैन लगाते थे, कभी भी प्रभु यीशु मसीह का नाम तुमने नहीं लेना, इस नाम की कभी भी चर्चा नहीं करनी। और जेलों का जवाब क्या था कि तुम ही इंसाफ करो, क्या परमेश्वर की बात से ज्यादा मनुष्य की बात माने। तो बच्चों ने डांट फटकार के बैठ लगा के उनको बाहर निकाल दिया गया। और ये गमलियेल जो है ये कहता है कि सोच समझ के कदम उठाओ, सोच समझ के काम लो। उसने इतिहास की बातों को बताया, यहूदा के बारे में बताया और लोगों के बारे में बताया कि वो समय समय पर लोग उठे, कुछ लोगों को अपने पीछे किया और जैसे वो खत्म हो मोमेंट भी खत्म हो गई। लेकिन ये मोमेंट जो है बनी हुई है, प्रभु यीशु मसीह को बेशक जो भी तुमने करवाया वो हो गया, बर्बाद किया, जी उठा। लेकिन ये लोग जो है इनका जोश देखो, इनका कॉन्फिडेंस देखो, ये प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने से पीछे नहीं हट रहे। कहीं ऐसा ना हो कि जाने अनजाने में हम परमेश्वर के कामों का विरोध करना शुरू करें, इसलिए सोच के साथ तुम काम करो। तो गमलियेल ने तो बड़े अच्छे, जो बहुत ही बड़े जो है शिक्षित थे, विद्वान थे, उन्होंने उस समय के यहूदियों से, यहूदी अगुओं से कहा कि इन लोगों से थोड़ा सा सावधान रहो, इनसे प्रभु यीशु मसीह के चिन्हों से। और यही चीज जो है परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, बहुत बार जाने में अनजाने में हम परमेश्वर के कामों का विरोध करते हैं, और जब हम परमेश्वर के कामों के ही विरोध में हो जाते हैं तो हम परमेश्वर के लोग कहां। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान करने के द्वारा मुझे और आपको अपनी लेखपालक संतान बनाया। गलतियों के पत्र उसके चौथे अध्याय में हम पढ़ते हैं, जो हम अक्सर क्रिसमस के दौरान इस वचन को पढ़ा जाता है कि जब समय पूरा हुआ परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, जो स्त्री से उत्पन्न हुआ और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि हम जो व्यवस्था के अधीन है हमें मोल लेकर के अपनी लेखपालक संतान, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मुक्त करे और हमें अपने लेखपालक संतान बनाए। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में अपने लेखपालक संतान बनाया, जिसके लिए पौलुस कहता है हम अपने पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, जिसने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण आत्मिक आशीषें हमें दी है। दूसरी चीज जो हम देखेंगे, पहला उसने हमें चुना ताकि हम पवित्र और निर्दोष बने,
आगे हमने देखा कि उसने अपने लिए पारिक संतान बनाया। और आगे देखिए अगला वचन, छह वचन, कैसे दे दिया, इसलिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी। हम आज परमेश्वर की संतान है, हम विश्वासी हैं, हमने कुछ नहीं की, कोई मेहनत नहीं करनी। ये सब कुछ परमेश्वर ने प्रवेश के द्वारा खुद डिसाइड करके पहले से उसने हमें सेहत में दिया, हमें फ्रीली दिया। इसके लिए हमें किसी प्रकार का कोई भी कुछ भी नहीं करता, क्योंकि हमारी धार्मिकता परमेश्वर के सामने हमारे अपने काम, हमारे अपने बड़े काम परमेश्वर के सामने फिल्दी रैक्स हैं। तो हमारे कामों के अनुसार हम कभी भी धार्मिकता को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर कामों के द्वारा हम धार्मिकता को प्राप्त करते तो परमेश्वर का प्रवचन कहता है लूका की इंजील में कि एक दो जन प्रार्थना करने के लिए उनमें से एक जन अपने बड़े बड़े कामों की चर्चा कर रहा है। परमेश्वर तो जानता है मैं व्यवस्था को पढ़ता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं तमाम उन चीजों को पूरा करता हूँ, मैं बुरे काम नहीं करता, गलत काम नहीं करता। और उससे साथ ही व्यक्ति खड़ा था जिसका जिसके बारे में वचन कहता है उसने अपनी छाती पीट पीट करके कहा हे प्रभु मुझ पापी पर ध्यान। काम करने वाला कौन था जिसने अपने काम गिन गिन के बताए, वो करता था लेकिन कामों के अनुसार कभी भी किसी का चुनाव नहीं है, किसी का उद्धार नहीं है, किसी को आशीष नहीं है। लेकिन जो नम्र और दीन करता अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करता, परमेश्वर का वचन कहता है वो धर्मी नहीं परंतु वो जिसने अपने पापों को स्वीकार के नम्र किया वो उद्धार प्राप्त करके अपने घर। उसने कुछ नहीं किया, उसको फ्री में दिया, उसको ऐसे मिलकर सेंट में को मिल गया क्योंकि उसने अपने आप को नमन किया। सात बजे आपको उसने उसके लहू के द्वारा सतारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। सात में तो हालेलुया, हालेलुया। क्या अपना हमें उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा मिली। और ये बहुत बड़ी बात है, छुटकारा या पापों की क्षमा, दो अलग अलग शब्द हैं, और ये हर एक व्यक्ति की जरूरत है। हर किसी को छुटकारा चाहिए, किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी परिस्थिति में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, किसी के साथ भी हो, हम छुटकारा पाना चाहते हैं। कहीं भी चले जाओ, हमारे कुछ अपने मित्र होते हैं, अपने जानकार लोग होते हैं, हम उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। कई कॉल्स हमें आती हैं, हम उनको छुटकारा पाते हैं, डीएनटी लगाया होता है ना, हम छुटकारा पाना चाहते हैं। फ्रॉड कॉल्स आती हैं हमें, हम छुटकारा पाना चाहते हैं, हम उनसे बचना चाहते हैं। और यहाँ परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, हम गीत गाते हैं यीशु ने हमें छुड़ाया है। और कितने ऐसे गीत गाते हैं छुटकारे के बारे में, प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर ने जो हमारा छुटकारा, कितने गीत गाते हैं, कितने उसकी महिमा उसकी वर्षित करते हैं गीतों के द्वारा कि उसने हमें छुड़ाया। और ये छुटकारा जो है ये पुराने नियम में परमेश्वर का एक फलसफा चला है। पुराने नियम में जब हम व्यवस्था की किताबों को पढ़ते हैं, लेवल व्यवस्था को पढ़ते हैं, तो उसमें छुटकारे की बात करते हैं। जब हम निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं 13वां अध्याय छुटकारे की बात आती है, जब इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से स्वतंत्र होके अब प्रतिज्ञा की हम उस देश की तरफ आना है, जब मिस्र की उस लंबी गुलामी से उनको छुटकारा पा करके आप निकलना है, तो वहां छुटकारे का कोई चिन्ह है। और क्या किया परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इसराइलियों को जो है संदेश दिया, मैसेज भेजा कि आज रात हर कोई अपने अपने दरबार की चौखट पर मेमने का लहू लगा, ताकि जिस घर के चौखट के ऊपर
मेमने के लहू का जब लहू का निशान होगा उसको छोड़ दिया, उसका छुटकारा हो जाएगा। और परमेश्वर का पुत्र वचन कहता है वहां जब मौत का फरिश्ता आता है, मौत का फरिश्ता आता है तो वहां जिन जिन घरों पर लहू का निशान नहीं था उनके पैलौठे मारे गए। आधी रात को चीख चहाट शुरू हो जाते, रोना कुर्राना शुरू हो जाता, लेकिन गोशेन बस इसराइली बड़े आराम से और उस समय विवशों करके फिरौन को इन लोगों को छोड़ना पड़ा। मेरे अपने देश में जहां वो जाना चाहते थे उसमें जाना, छुटकारा। आगे जब हम बढ़ते हैं, जब मिशन से निकल के आ रहे हैं तो प्रभु ने मिशनियों के प्रभु ने इसराइलियों के पहलौठों को बचाया था। और अभी प्रभु क्या कहते हैं, पहलौठे मेरे, सभी पहलौठे मेरे हैं, उनको मेरे काम के लिए तुम जो है आगे अर्पित करो। और यदि उनसे उनको छुड़ाना है तो तुम्हें अपने लिए एक बलिदान करना पड़ेगा, वो क्या है, मेमने का बलिदान करना पड़ेगा। और इसराइलियों ने अपने मेल जो के बेटे बनते थे पहलौठे, उनके लिए वो एक विधि थी, एक उनके लिए व्यवस्था थी कि वो मेमने का लहू दे करके, मेमने का चढ़ावा चढ़ा करके अपने पहलौठों को चढ़ा लिया। इसको एक और छुटकारे की बात आती है जो हमारी जमीन जायदाद है, इसका भी एक छुड़ाने का ढंग है, तरीका जो परमेश्वर की व्यवस्था में दिया गया। आपके पास तंगी है, आपके पास पैसे नहीं है, आपको अपना घर परिवार चलाने के लिए फाइनेंशियल दिक्कत हो रही है, तो आप अपनी खेती बाड़ी की जमीन को किसी को दे देंगे, या ये कहेंगे बेच देंगे या लीज पर दे देंगे और आप छुड़ा नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब जुबली ईयर आएगा अर्थात 50 साल आएगा, ऑटोमेटिकली वो जमीन तुम्हारे पास वापिस आ रहे। बीच में आप छुड़ा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो 50 जिसे बोले ना वीक ऑफ वीक्स, जिसे है ना पेंटिकोस्ट दिन भी जिसे बोलते हैं, पेंटिकोस्ट 50वां जो दिन है, उस साल में आपकी जमीन आपको फिर से आपके पास ऑटोमेटिकली, जैसे एक डेप्रिसिएशन देखता है चीज को, उसी प्रकार से आप पूरा 50 साल 48, 47, 40, 39 ऐसे करके चलते रहेंगे, और जिस दिन जीरो ईयर पर हो जाएगा 50 साल हो जाएगा ऑटोमेटिकली छुटकारा हो जाएगा। तो ये परमेश्वर ने व्यवस्था की आराम से छुड़ाने के। और पत्रस ने कहा अपनी पुस्तक में, अपनी पत्री में, कि तुम्हारा उद्धार नाशवान सोने और चांदी की वस्तुओं से नहीं हुआ बल्कि उस बेदाग मेमने के लहू से। और परमेश्वर ने मुझे और आपको चुराया, मुझे और आपको चुराने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, ताकि हम उस पाप श्राप उसकी व्यवस्था से चुराए जा करके परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुक्त और आजाद हो सके। यीशु ने हमें चुराया है, आगे उसके बारे में और भी, अब मैं आजाद हूँ, अब मैं स्वतंत्र हूँ, अब मेरे जो किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं है। और दूसरी पहली चीज परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमें छुड़ाया अर्थात पापों से हमारा बड़ी हिस्सा बच गया। अब ये आखिरी बात आए, अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उसने हमें छुड़ाया अर्थात पापों की क्षमा प्रदान की है। और पाप का और परमेश्वर का एक बहुत, परमेश्वर पाप को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, पाप से नफरत करता है और पाप को बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसके स्वभाव में जरा भी जो है किसी प्रकार की अपवित्रता की पाप की कोई प्रत्याशा नहीं, वो पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दुनिया जहान के पाप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिए। प्रभु यीशु मसीह ने गलती क्रूस के ऊपर चौथा वचन बोला,
यीशु मसीह ने चिल्ला करके पुकार करके कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और कुछ जो है अलगाव का मतलब क्या था? उस अलगाव का मतलब था कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दुनिया जहां के पाप थे और प्रभु यीशु मसीह की सूरत जो है बिगड़ चुकी थी। परमेश्वर पाप के साथ समझौता नहीं कर सकता और उसमें उसका इकलौता पुत्र भी हो तो उसको भी उसने छोड़ दिया और वो चिल्ला के कहता है, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रभु यीशु मसीह जा मूसा परमेश्वर के अलग होने के महत्व को जानते हैं, उस बड़ी उस चीज को समझते हैं। परमेश्वर से अलग होना क्या? मूसा ने जो इतने सालों से लंबे समय से परमेश्वर की पाक मजूरी को महसूस किया था, है परमेश्वर से सामने आमने सामने उसके साथ आमने सामने बात करता है, उसको पूरी डायरेक्शन देता है, उसके चुनाव से लेकर और आगे जो है मिस्रियों को किनारे मुल्क कनान में भेजने तक उसके साथ बातचीत करता है। और प्रभु को मूसा को उससे अलग होना बिल्कुल भी पसंद नहीं। प्रभु यीशु मसीह से भी चुनाव थे, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रभु से अलग होकर परमेश्वर से अलग होकर के हम कुछ भी नहीं कर सकते और प्रभु को ये चीज बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चिल्लाए पुकारे, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो हम पाप की वजह से प्रभु से लाए। रोमियों की पत्री में हम आते हैं 9:10-23 था इसी चीज के बारे में पढ़ते हैं। रोमियो 3:9 पढ़ेंगे। किसके वश में है? पाप के वश। अगला वचन पढ़े 10। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, कोई समझदार नहीं, एक भी समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजी नहीं, एक भी खोजी नहीं है, क्योंकि वो भटक के अपने राष्ट्र के मुंह के बारे में खुली कब्र की तरह उनके कामों के बारे में उनके तमाम जो है तौर तरीके के बारे में लिखा है कि वो पाप के रास्ते पर बर्बाद के रास्ते पर चलते हैं। और फिर हम आखिरी वचन जो इसमें आते हैं 23, इन तमाम उस गतिविधियों को देखते हुए पौलुस कहता है, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित, परमेश्वर की महिमा से खाली। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जिसने प्रभु यीशु के द्वारा अपनी महिमा में हमें बुलाया, अपनी महिमा में हमें शामिल किया। लेकिन ये तमाम चीजों के द्वारा क्या पता चलता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से उस पाप श्राप से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, हम सबके लिए, पूरे मानव जाति के लिए दे दिया, ताकि हम उसके ऊपर क्या है विश्वास करें, युनति सुना नाश होने से बचाए जाकर अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर सके। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जिसने हमें स्वर्गीय स्थानों की परिया दी, स्वर्गीय स्थानों की स्वर्गीय स्थानों की सब प्रकार की आत्मिक शक्ति हमारे महान शिव शक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद स्तुति प्रशंसा करते हुए आपके कदमों में आते हैं, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वर्गीय स्थानों की सब प्रकार की आशीषें दी हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, आपने हमारा छुटकारा किया, पापों से हमें छुड़ाया। हम आपका धन्यवाद देते हैं उद्धार के इस बड़े कार्य के लिए जो आपने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, जो बेदाग मेमना था, जिसने ना तो पाप किया जो पाप से अज्ञात था, उसको मेरे हमारे लिए आपने पाप ठहराया ताकि हम आपकी धार्मिकता बन सकें। तेरी इन आत्मिक आशीषों वरदानों के लिए हम आपका बहुतायत से धन्यवाद देते हुए हम सब अपने आप को आपके हाथों के समर्पित करते हैं। इस प्रार्थना को आपके कदमों में डालते हैं यीशु के नाम से।